तो पिछले एपिसोड में आपने देखा कि लाइट ट्रियो और वेदर ट्रियो के बीच में फाइट चल रही होती है, जहां पर पूरा लाइट ट्रियो यानी कि नेक्रोज्मा, सोलगैलियो और लुनाला अपना सिग्नेचर मूव एक साथ यूज करता है रेक्वाजा पर, जिससे रेक्वाजा हार जाता है। इसके बाद लाइट ट्रियो अपना सिग्नेचर मूव यूज करता है एक साथ ग्राउडाउन पर ग्राउडाउन और कायोगर एक साथ हो जाते हैं, पर कायोगर और ग्राउडाउन भी एक साथ मिलकर अपना सिग्नेचर मूव यूज कर देते हैं, जिससे काफी बड़ा एक्सप्लोजन होता है और सोलगैलियो और लुनाला हार जाते हैं। अब बैटल में सिर्फ और सिर्फ नेक्रोज्मा अकेले बचा हुआ था, वहीं पर सामने ग्राउडन और कायोगर साथ में थे। ये नेक्रोज्मा के लिए काफी बड़ा चैलेंज था कि वो ग्राउडन और कायोगर को एक साथ डिफीट कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। वहीं पर ऐश काफी कंफ्यूज हो जाता है कि सोलगैलियो और लुनाला कहां पर गए। ब्रॉक बोलता है कि उनके बारे में टेंशन मत लो, वो काफी स्ट्रांग पोकेमोन है एंड वो तुम्हारे पास वापस जरूर आ जाएंगे या फिर उनको नेक्रोज्मा सेंस कर लेगा। ऐश बोलता है कि हां, ये परफेक्ट रहेगा। अभी के लिए देखते हैं कि नेक्रोज्मा ग्राउडन और कायोगर को डिफीट कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। मिस्ट्री बोलती है कि ऐश, मेरे पास एक आइडिया है, नेक्रोज्मा तो उनसे बैटल कर ही रहा है, पर तुम्हारे पास और भी लेजेंडरी ट्रियोस हैं, तो तुम उनको भी भेज सकते हो जो कि नेक्रोज्मा की हेल्प करेंगे। ऐश बोलता है ये तो काफी ज्यादा अच्छा आइडिया है। ऐश अपने लेजेंडरी बर्ड ट्रियो, लेजेंडरी बीस्ट और लेक गार्डियंस को बाहर निकाल देता है, जो कि ग्राउडन और कायोगर से बैटल करना स्टार्ट कर देते हैं। काफी टाइम तक बैटल करने के बाद ग्राउडन और कायोगर उन 9 पोकेमॉन्स को हरा देते हैं, जिसको देखकर ऐश, ब्रॉक, मिस्ट्री, सरीना, स्टीवन सब काफी शॉक रह जाते हैं। स्टीवन बोलता है कि हो इनके लेजेंडरी सच में काफी स्ट्रांग है और इनके सामने ये छोटे मोटे लेजेंडरीज हैं, अगर कोई पोकेमॉन इनके सामने कुछ कर सकता है तो वो कोई और नहीं बल्कि नेक्रोज्मा ही है। नेक्रोज्मा अपना बेस्ट दे रहा होता है। अब दोनों ग्राउडन और कायोगर मिलकर अपने सिग्नेचर मूव का यूज करते हैं। ग्राउडन यूज करता है प्रेसिपाइस ब्लेड का, वहीं पर कायोगर यूज करता है ओरिजिन पल्स का। नेक्रोज्मा किसी तरह से प्रेसिपाइस ब्लेड को डॉच कर लेता है, बट उसके ऊपर ओरिजिन पल्स अटैक लग जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्ट्रांग था। इसका नेक्रोज्मा पे काफी डैमेज होता है, बट किसी तरह से नेक्रोज्मा इसको सह लेता है और हार नहीं मानता। अब नेक्रोज्मा इसके काउंटर में यूज करता है अपना सिग्नेचर अटैक फोटोन गीजर। यह अटैक डायरेक्टली ग्राउडन के ऊपर जाकर लगता है, जिससे काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है और ग्राउडन पानी में गिर जाता है। बिना किसी टाइम वेस्ट के ऐश अपने पोकेबॉल का यूज करता है ग्राउडन पर, और वो पोकेबॉल ग्राउडन के ऊपर लग भी जाता है। पोकेबॉल 3 बार शेक होता है और फाइनली ऐश ग्राउडन को कैच कर लेता है, यानी कि नेक्रोज्मा ने ग्राउडन को डिफीट कर दिया था और साथ में ऐश ने सबसे पहला वेदर ट्रियो मेंबर भी कैच कर लिया था। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मेंबर बचा हुआ था डिफीट करने के लिए, जो कि था कायोगर। ऐश बोलता है, नेक्रोज्मा, हम सिर्फ और सिर्फ एक स्टेप दूर है इस बैटल को जीतने से, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ अब कायोगर को डिफीट करना है। ब्रॉक बोलता है कि नेक्रोज्मा के ऊपर भरोसा रखो, वो एक काफी स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है और कायोगर को डेफिनेटली डिफीट कर सकता है। अब कायोगर यूज करता है हाइड्रो पंप अटैक का, और इसके काउंटर में नेक्रोज्मा यूज करता है प्रिज्मैटिक लेजर का। ये भी नेक्रोज्मा का एक काफी स्ट्रॉन्ग अटैक था। हाइड्रो पंप और प्रिज्मैटिक लेजर दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं, बट प्रिज्मैटिक लेजर ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो हाइड्रो पंप को ओवर पावर करते हुए कायोगर के ऊपर लग जाता है, जिससे कायोगर को काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है, बट वो इस डैमेज को सह लेता है और हारता नहीं है। और इसके काउंटर में यूज करता है अपने सिग्नेचर अटैक ओरिजिन पल्स का, वहीं पर नेक्रोज्मा भी यूज करता है प्रिज्मैटिक लेजर का। दोनों ही अटैक टकरा जाते हैं और एक काफी ज्यादा बड़ा एक्सप्लोजन होता है, हर तरफ हवा चलने लगती है, और जब धुआं हटता है तो देखने को मिलता है कि नेक्रोज्मा और कायोगर दोनों ही पोकेमॉन्स हार चुके हैं, वो पानी में गिरे हुए हैं। इससे पहले कि वेदर ट्रियो के हारने की ऐश खुशी मनाता, वो जाकर नेक्रोज्मा को पकड़ता है और बोलता है, तुमने काफी अच्छी बैटल की, बिना तुम्हारे मैं इस बैटल को नहीं जीत पाता। बट वो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करता है और कायोगर के ऊपर पोकेबॉल फेंक देता है। पोकेबॉल 3 बार शेक होता है और कायोगर पोकेबॉल के अंदर आ जाता है, यानी कि ऐश ने वेदर ट्रियो के 2 मेंबर कायोगर और ग्राउडन को कैच कर लिया था। ब्रॉक, मिस्ती, सरीना और स्टीवन ऐश को कांग्रेट्स करते हैं। स्टीवन बोलता है कि फाइनली ये बैटल एंड हुई, मैं इस बैटल को रोकने का सोच रहा था, क्योंकि जैसे ये बैटल चल रही थी वो टाइम दूर नहीं था जब पूरा होइन रीजन डिस्ट्रॉय हो जाता और अभी इस समुंदर का हाल काफी बुरा हो चुका है। यहाँ पर लगातार काफी बड़ी वेव्स आ रही है और हो सकता है कि एक सुनामी होइन रीजन के तरफ जाए। ऐश बोलता है कि मेरा ये सब करने का इंटेंशन नहीं था, मुझे टास्क के लिए करना पड़ा, जो भी लॉस हुआ उसके लिए सॉरी। स्टीवन बोलता है कि अगर होइन में अब कुछ भी होता है तो मुझे रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी और पूरे होइन को बचाना होगा। अभी के लिए मुझे यहाँ से जाना होगा, वहाँ पर काफी तेज तूफान आ चुका था और हर तरफ काफी बड़ी वेव्स चल रही थी। ब्रॉक बोलता है कि ऐश, यहाँ पर ज्यादा देर रुककर खुशी मनाने का कोई भी फायदा नहीं है, यहाँ पर हमें इंजरी हो सकती है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए। ऐश ग्राउडन और कायोगर की पोकेबॉल को रख लेता है और नेक्रोज्मा को भी पोकेबॉल के अंदर वापस बुला लेता है। ऐश अपने चार्जार्ड को बाहर निकालता है और उसके ऊपर बैठकर जाना स्टार्ट करता है, पर काफी तेज बारिश हो रही थी और चार्जार्ड वाटर टाइप से वीक है, साथ में हवा भी चल रही थी, जिसके चलते चार्जार्ड उड़ नहीं पा रहा था और वो काफी ज्यादा वीक हो गया था। ऐश बोलता है, चार्जार्ड, अभी तुम यहाँ पर नहीं गिर सकते हो, यहाँ पर समुंदर है। पर चार्जार्ड अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और वो ब्रॉक,
मिस्ट्री सरीना स्टीवन सबको लेकर समुंदर में गिर जाता है। ऐश जल्दी से चार्जार्ड को पोकीबॉल के अंदर लेता है और स्टीवन अपने पोकेमॉन स्कारमरी को बाहर निकालता है। स्टीवन बोलता है कि मेरा स्कारमरी उड़ने में मास्टर है, इस पे दो लोग यानी कि ब्रॉक और सरीना बैठकर जा सकते हैं। ब्रॉक बोलता है कि फिर बाकी लोगों का क्या होगा। स्टीवन बोलता है कि मैं सब कुछ करता हूँ, अभी के लिए तुम दोनों यहाँ से चले जाओ, आगे का काम मैं देखता हूँ और मुझे होइन को भी बचाना है। हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, हम सबको एक एक करके जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। ब्रॉक और सरीना स्कारमरी पे बैठ कर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पर मिस्ट्री बोलती है कि मेरे पास गैराडोस है जो कि काफी तेज तूफान में भी स्विम कर सकता है। स्टीवन बोलता है ये तो परफेक्ट है, हम सब गैराडोस पर बैठकर जा सकते हैं। सब लोग गैराडोस के ऊपर बैठ जाते हैं। कुछ टाइम बाद फाइनली स्टीवन मिस्ट्री और ऐश समुंदर के किनारे पहुंच जाते हैं और वहां पर भी काफी तेज बारिश और हवा चल रही थी और वहां पर लगातार काफी बड़ी वेव्स आ रही थी। स्टीवन बोलता है कि हमें जल्दी कुछ ना कुछ करना होगा। ऐश बोलता है मैं अपने हुका को भी यहां पर लेकर नहीं आया, वरना मैं टेलीपोर्ट होकर होइन के किसी और जगह पर जा सकता था, बट फिलहाल के लिए हम आरसेस का यूज कर सकते हैं। ऐश अपने आरसेस को बाहर निकालता है और सब आरसेस पे बैठ जाते हैं। स्टीवन बोलता है कि आरसेस मेरे होम टाउन यानी कि मॉसदीप सिटी के तरफ चलो। आरसेस सबको मॉसदीप सिटी पहुंचा देता है और वहां पर काफी लोग स्टीवन के घर के बाहर होते हैं। वो लोग काफी ज्यादा क्यूरियस होते हैं कि वेदर अचानक से चेंज कैसे हो गया, और रिपोर्ट्स आ रही थी कि होइन में काफी ज्यादा बड़ी सुनामी आ सकती है जिससे पूरा होइन रीजन डिस्ट्रॉय हो सकता है। होइन में रहने वाले सभी लोग काफी कंफ्यूज होते हैं कि ऐसा अचानक से क्यों हो रहा है। स्टीवन सबको सब कुछ बता देता है कि ऐसा इसलिए हो रहा है कि होइन के एक समुंदर में लाइट ट्रियो और वेदर ट्रियो के बीच में एक काफी ज्यादा बड़ी फाइट हुई है और उस बैटल के चलते पूरा का पूरा वेदर खराब हो चुका है। एंड अभी हमारे पास रेक्वाजा भी नहीं है जो कि वेदर को कंट्रोल करके उसको ठीक कर सकता है। सब लोग पूछते हैं कि ये फाइट कैसे हुई। स्टीवन बताता है कि ऐश को एक टास्क कंप्लीट करना था जिसके चलते उसने वेदर ट्रियो के साथ फाइट की थी और उनको डिफीट भी कर दिया है। ये सुनकर होइन के लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं ऐश पर, स्टीवन उनको संभालता है और बोलता है कि ऐश पे गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें ऐश ने मेरे परमिशन के बाद ही करी है और अब मैं ही इनको ठीक करूंगा। होइन के लोग स्टीवन की बात सुनकर काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर तभी वहाँ पर एक टीवी चल रही होती है जहाँ पर न्यूज रिपोर्ट में बताया जा रहा था कि एक सुनामी को स्कैन किया गया है जो कि हाफ आवर के अंदर होइन रीजन में स्ट्राइक कर देगी जिससे पूरा होइन रीजन भी डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सुनकर सारे लोग काफी पैनिक करते हैं और यहाँ वहाँ घूमने लगते हैं। स्टीवन सबको शांत रहने बोलता है बट कोई भी स्टीवन की बात नहीं मानता है और सब लोग दूसरे रीजन में जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। स्टीवन बोलता है कि कुछ नहीं होने वाला, जब तक मैं यहाँ पर हूँ होइन रीजन को मैं ही प्रोटेक्ट करने वाला हूँ और होइन को कुछ भी नहीं होगा। सब काफी ज्यादा पैनिक हो चुके थे जिसके चलते कोई भी स्टीवन की बात नहीं सुनता और सब लोग रेडी होने लगते हैं। तभी वहाँ पर स्कारमरी ब्रॉक और सरीना भी आ जाते हैं। ब्रॉक बोलता है कि मैंने सब कुछ सुना और अब जो सुनामी हाफ आवर में आने वाली है हमें उसको कुछ ना कुछ करके रोकना होगा, इसके लिए हमें कोई आइडिया लगाना होगा। स्टीवन बोलता है कि ये सुनामी उसी समुंदर से आ रही है जहाँ पर लाइट ट्रियो और वेदर ट्रियो में फाइट हुई थी। हमें वापस से वहीं पर जाना होगा और कुछ ना कुछ करना होगा, यहाँ पर रह के कुछ भी नहीं होने वाला। हमें कुछ ऐसे पोकेमॉन सेलेक्ट करने होंगे जो कि इस टाइम पे हमारे काम आए।